इसको मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है? खाऊचा डब्बा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक नए फ्रेश व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो इस व्लॉग की शुरुआत हम पिछले व्लॉग की थ्रेड पकड़ कर ही करेंगे। पिछले व्लॉग में अपन बात कर रहे थे कि अपने को चाहिए गोप्रो के एक्सेसरीज, यानी DJI ऑस्मो एक्शन कैम के लिए एक्सेसरीज। यस गाइस, मैंने रिसर्च किया है, दोनों कैम के लिए यानी गोप्रोज के लिए और DJI ऑस्मो के लिए सेम एक्सेसरीज यूज होती है। एक्सेसरीज मतलब माउंट्स वगैरह एंड ऑल। ठीक है, तो देखते हैं अभी अपन टेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल भी होंगे कि दोनों कैम में सेम टाइप की एक्सेसरीज लगते हैं कि नहीं, आने के बाद आपको पता ही चलेगा। मीनवाइल आपको बताता हूँ मैंने कौन सा वाला ऑर्डर किया है, रोबस्ट्रियन 12-in-1 माउंट्स वाला। 979 रुपीज हमने खर्च दिए। खर्चा यानी हम इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अपने को रिटर्न्स देने वाला है। आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है, तो इसीलिए कर लिया। इन्वेस्टमेंट से मेरे को याद आ गया, शाम से जैसे मेरा ऑफिस खत्म हो गया मैं इन्वेस्टमेंट पे बहुत रिसर्च कर रहा था। हालांकि मैं अभी भी पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ सेव करता हूँ एंड वो सब चलता है, लेकिन अभी मैं और देख रहा था कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और बहुत सारी नई नई चीजें मेरे को सीखने भी मिली। पहले से कुछ चीजें पता थी और बहुत सी चीजें सीखने भी मिली है मेरे को आज। तो अपने ऑडियंस में से ऐसे कोई है क्या इंटरेस्टेड ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट के लिए? मैं वो पूरा स्टडी करके ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊँ इन योर 20s, कि 20s में आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यही नहीं बल्कि ये भी बताऊंगा कि जो जो गलतियां मैंने की, जो अगर मैंने नहीं की होती तो मेरे अच्छे इन्वेस्टमेंट शायद अब तक होते थे। तो आप एक तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे, जो अर्ली 20s में वगैरह या मिड 20s में उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो होंगे कोई इंटरेस्टेड तो जरूर बताना मेरे को। ये हमने हमारा यहाँ पर आउट टाइम और ऑफिस का टाइम हो चुका है। अभी फिलहाल के क्या प्लान्स है आपको बताते हैं। तो अभी के प्लान्स कुछ ऐसे हैं, ये देखो ये डब्बा दिख रहा है फिलहाल खाली हो गया है। इसको मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है? खाऊचा डब्बा। मराठी फ्रेंड्स माइट रिलेट इट। हाँ, तो गाइस डब्बा देख रहे हो फुल खाली हो गया है। तो अभी थोड़ी ग्रोसरीज खरीदने जाना है और चाय के साथ मस्त टोस्ट खारी वगैरह। आई एम श्योर आप भी खाते होंगे। जब तक चाय के साथ कुछ खाने को ना हो ना मजा ही नहीं आता है। चाय, टोस्ट, बिस्किट, कुछ ना कुछ चाहिए ही है ऐसा। तो वो अभी लेने के लिए बाहर जाएंगे। ये देखो ऐसे ट्रेन से आवाज करते रहते हैं जब भी अपन वीडियो शूट करते हैं। वैसे तो हमें रोड की कंप्लेन कभी करनी नहीं चाहिए, हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बट दीज आर द फैक्ट।
बारिश अभी 5 मिनट पहले फुल जोर से थी, आपने देखा अभी 5 मिनट में फुल बंद। ऐसा ही मौसम है भाई यहाँ का, कोई बात नहीं। तो गाइज इस वीडियो के लिए अब इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को क्या करना है पता है ना, लाइक करना है, कमेंट्स करके बताओ आपके थॉट्स इस वीडियो के बारे में। चैनल पे हो नए तो करो सब्सक्राइब, और चीज बतानी है बिफोर साइनिंग ऑफ, ये देख रहे हो अपना पैकेज आ गया है बड़ा सा, जो गोप्रोस की एक्सेसरीज बोल रहे थे ना वो फाइनली डिलीवर हो चुका है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, मस्त वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में आप वो जरूर देखना। टिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।